डीएवी कॉलेज से निर्दलीय पैनल ने मारी बाजी, निर्दलीय प्रत्याशी सीताराम के पैनल ने मारी बाजी। धीरे धीरे जैसे जैसे मतगणना हो रही है वैसे वैसे छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट सामने आता जा रहा है। अभी तक लगातार 5 महाविद्यालयों में तो एबीवीपी ने अपना परचम फहराया है, लेकिन डीएवी कॉलेज से निर्दलीय पैनल ने बाजी मार ली है। यहां पर अध्यक्ष पद पर सीताराम विजय रहे। कॉलेज का परिणाम कुछ इस प्रकार सामने आया है। अध्यक्ष पद पर सीताराम, उपाध्यक्ष पद पर सोहेल खान, महासचिव पर प्रमोद सिंह चौहान और सह सचिव पर पिंकू कुमार जाट विजय रहे। चारों विजय प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारी ने शपथ ग्रहण कराई। हॉराइजन न्यूज से बात करते हुए डीएवी कॉलेज के नए अध्यक्ष सीताराम ने बताया कि वे अध्यक्ष बनने से पहले भी छात्र हितों के लिए हमेशा आगे रहते आया है और अब अध्यक्ष बनने के बाद भी अपनी लड़ाई छात्रों के लिए जारी रखेंगे। बात करते हैं किस तरह से सीताराम जी विजेता करिए क्या रहेगा? जो मैं छात्र संघ चुनाव जीता हूँ ये मैंने नहीं जीता, ये मेरे जो 7 टीम लगी हुई है जो मुझे इस जीत के मुकाम तक पहुँचाया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और यहाँ महाविद्यालय में पढ़ने वाले 1600 जो कुछ वोटर थे, 1600 वोटर, उनको धन्यवाद दूंगा जो मुझे इस हासिल तक पहुँचाया। क्या रहेगा अब आगे आपकी रणनीति, किस तरह से महाविद्यालय की कमियां हैं? महाविद्यालय की जो भी कमियां रहेगी, छात्रहित की जो कमियां रहेगी, उसको मैं पूर्ण रूप से निस्वार्थ की भावना से मैं छात्रहित की बात के लिए लड़ूंगा और काम करूंगा उनके। पहले आप एवीपी से हुआ करते थे, एवीपी ने आपको टिकट नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं, एवीपी टिकट नहीं, क्यों, मैंने खुद ने इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रभार से चुनाव लड़ा था। हमने सोचा था कि कोई आदमी कभी भी किसी पोस्ट पे जाकर के किसी को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। हमने बिल्कुल निस्वार्थ की भावना से काम किया और हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। या आपका पूरा पैनल जीत गया? पूरा मेरा पूरा पैनल जीता, पूरा की सहयोग से मैं खुद जीता हूँ। मैं छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम भाई, उपाध्यक्ष सोहेल खान, महासचिव भाई प्रमोद सिंह चौहान और संघ सचिव पिंकू कुमार जाट। अब क्या प्राथमिकता देगी कॉलेज में, क्या काम है? छात्रहित की, चाहे कॉलेज में रहो, कॉलेज के बाहर, कैंपस के बाहर भी रहो, छात्रहित की यदि कोई बात आएगी उसके लिए 24 घंटे उनका फोन आएगा तो मैं तत्पर तैयार रहूँगा। ये थे सीताराम जी जिन्हें बताया कि कॉलेज की जो भी समस्या होगी उसके लिए छात्रों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हॉरिजॉन के लिए नरेश गौड़, अजमेर।